तो कराची के मशहूर नाश्ते के बारे में हम बात कर चुके हैं और लाहौर के मशहूर नाश्ते के बारे में हम आज बात करें। और लाहौर का फेमस नाश्ता है नान चने और वही आज हम खाने वाले हैं। तो अगेन हमार के घर खड़ा हूँ और आज प्लान है हमारा कि नान चने खाने जाना है। तो अभी हमने काम करा है, फाइनली हमारा अमेजोन का अकाउंट बन गया है। हमारे भाई अमेजोन की खबर यहाँ दे दी है मैंने, तो फाइनली हमारा अमेजोन का अकाउंट भी बन गया है। तो अब हमने कहा जरा नाश्ता करते हैं और पेट को कुछ सहूलत देते हैं, तो हम निकल रहे हैं और पहुँचते हैं। तो यार सीन ये है कि बस घर से निकलने लगे हैं, तो अमार जरा बाइक की चाबी ढूंढ रहे हैं और हम घर से निकलने लगे हैं बस। तो लोकेशन मुझे अच्छी लग रही थी, मुंह पर रोशनी पड़ रही थी, तो मैंने कहा एक क्लिप रिकॉर्ड करते हैं। कैसा आइडिया है फिर? सेट है मैंने उठाया बस्ता, उसके अंदर रखा पावर बैंक एंट्री, तो पहना अपना बैग और खाने निकल पड़े। और ये बग्गा नान चने जो ईद का ग्राउंड के पीछे वाली गली में नाजुबाती है। और एक भाई ने कहा था कि यार इनको जरूर वीडियो के अंदर लेना, कि हमारे उस्ताद है, क्रेडिट जाता है इनको भी कि बेहतरीन रोगनी नान बना दो। तो ये रखी हुई है सब्जी यहाँ पर जो ताजा बन रही है, और पीछे रखे हुए पाए और नान चने। ये रखे हुए पाए, पाए को आप चेक कर रहे हो, लाहौर की याद ताजा हो रही है। तो यहाँ बन रहे चने और इतने गर्म बन रहे हैं कि देखकर भूख बढ़ती जा रही थी। जिनको देखकर दिल तो कर रहा होगा कि वीडियो के अंदर आओ और खाने शुरू कर दो। तो फाइनली हम आ गए बग्गा नान चने पे, और नान और चने दोनों तैयार हैं और हम खाने को तैयार हैं। तो सीन ये, अंदर की शॉर्ट्स ले लिए और नान चने मेरे सामने रखे थे। नान चने आपको दिखाते हैं, खाते हैं, घर जाएंगे और रिव्यू करेंगे। तो हमने ऑर्डर करे 4 नान, 1 अंडा चने की प्लेट और 2 कोल्ड ड्रिंक्स। अंडा और चने का कॉम्बिनेशन काफी फिट है, और साथ में अगर रोगनी नान हो तो मजा डबल है। और मैं कहूँगा नाश्ते के अंदर यह डिश मेरी सेकंड नंबर पे बेस्ट है, पहले हलवा पूरी है बट ये सेकंड पे बेस्ट लगी है मुझे। तो अब आते हैं फूड रिव्यू के ऊपर। फूड रिव्यू आपको पता है मेरा ऑनेस्ट होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मुझे काफ़ी मज़ा आया और मैं इसको रेट करूँगा 10/10। हर चीज़ परफेक्ट थी, खाने की क्वांटिटी से लेकर क्वालिटी तक मुझे सब ठीक। तो जाकर ट्राई करो और कमेंट से मुझे बताना कि कैसा लगा। आपका स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिंग था, काफ़ी उनको अच्छा लगा कि हम लोग वीडियो बनाने आए हैं यहाँ पर। तो मेरी तरफ से थम्स अप है। तो आपसे मुलाकात होती रही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।